देखिए धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने जो टिप्पणी की है कि गरीब लोगों को बहला फुसला करके ईसाई बनाया जा रहा है और अगर इसी तरह धर्मांतरण जारी रहा तो इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये न्यायिक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती है, उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। दूसरे, ये हमारे संविधान के मूल्यों के भी अनुरूप नहीं है, उसके खिलाफ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संविधान एक धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करता है और भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। इसलिए अगर धर्मांतरण का कोई वाद है तो सुनवाई का दायरा सिर्फ यहां तक है कि ये जबरन करवाया जा रहा है या इच्छा से करवाया जा रहा है। अगर जबरन करवाया जा रहा है, इच्छा के विरुद्ध करवाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ विधि के हिसाब से दंड देने का अधिकार है। ये जज के जांच के दायरे में, टिप्पणी के दायरे से ही बाहर है कि धर्मांतरण अगर नहीं रुके तो उससे एक दिन बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बहुसंख्यकवादी राज्य के आप जज नहीं है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। और इस तरह की जो टिप्पणियां हैं इससे धर्मांतरण का आरोप लगा करके हिंसा करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बच्चों की किस तरह से धर्मांतरण का आरोप लगा करके कार के अंदर उनको जिंदा जला दिया गया था। तो इस तरह की टिप्पणियां अगर हाई कोर्ट स्तर के जजों से आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए ये भाषा दुरुस्त नहीं है।